और ज्योतिष की वजह से ही हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स डेवलप हुए अगर इसका सेंटर मैं बताऊँ तो उज्जैन ये सब फीलिंग और ये जितनी भी चीज़ें ना ये इमोशंस की बात है हो सकता है मेरे को मेरे बिल्कुल पास के घर में बहुत ज़्यादा कोई मंदिर हो और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और आप हो सकते हो कोई बहुत कोई उज्जैन जाकर ही आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हो तो ये तो डिवोशन पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं फीलिंग्स पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का भाव है फैमिली अगर वो योग शनि और चंद्रमा का कुटुंब के भाव में पड़ रहा है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई तुम अपने फैमिली के किसी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सैड सैडनेस में रहते हो पूजा के अंदर सीसम ऑयल का यूज़ करना बहुत पावरफुल एक रेमेडी है बहुत सारे ग्रहों की बहुत सारे ग्रहों को शांत करने की शनि मंगल राहु सैटर्न अगर ऑपरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आदमी चीजों के अंदर डिले कर रहा है या डिले हो रही है उसकी चीजें टाइम पे नहीं हो रही तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा उसको लग रहा है मेरी चीजें टाइम पे नहीं होती मैं एक काम को करने जाता हूँ उसमें इतने दिन लग जाते हैं मेरे अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है शनि की महादशा चल रही है इंटेंस साढ़े सात ही चल रही है श्री रुद्रम का पाठ आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत उसके जो संस्कृत श्लोकाज है वो बहुत डिफ, मतलब डिफिकल्ट है बोलने में किसी को आता है संस्कृत तो बोल सकता है लेकिन यूट्यूब पे आप उसको डेली सुनो मैम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच कैसे हो आप बहुत बढ़िया आप कैसे हो मैं एकदम अच्छा हूँ वायरल कर दिया आपने सारी रील्स मेरी बहुत अना? हाँ बहुत फोन आए मेरे पास में हाँ. बहुत सारे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज तो। बट अच्छा ना कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना जो इन्फॉर्मेटिव होती है ना वो लोगों तक तो बाई ही पहुँच जाती है और लास्ट टाइम का मैं थोड़ा सा जो हो गया था मिसकम्यूनिकेशन नहीं बोलेंगे उसको जो बीच में मैंने वीडियो को ना रोक दिया था ना तो मैं ऑडियंस को भी बता दूं यार मेरी एक्चुअल में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी तो इसलिए वो हमें बंद करना था तो जो थोड़ा पार्ट हाँ, हमारा बचा हुआ था जिसको हमने कवर नहीं किया था वो आज हम कवर करेंगे तो हमने बा, सारा राशि के बारे में हमने सारी चीज़ें हाँ। डिस्कस करी थी उनके उनके एनर्जी सेंटर्स डिस्कस किए थे अभी हमारे कुछ टेंपल्स बच रहे थे जो मुझे कंप्लीट करने थे ठीक है अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मंदिरों में मूर्ति पूजा हाँ। का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कैसे था इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है ठीक है देखो ये बहुत मतलब वैदिक हिस्ट्री है ये बहुत डीप साइंस है और बहुत इनक्रेडिबल है ये हमारे लिए ठीक है ये थोड़ा सा फ़िलासफ़िकल है ये ठीक है लेकिन ये फिलासफ़ी पूरी तरीके से यहाँ पे हमको एग्जाम्पल के साथ में लोगों को बहुत मतलब हार्ट तक टच कर पाएगी उनके ठीक है तो इसमें ना फाइव स्टेप समझ लो आप पांच चीज़ें ठीक है तो ये फ़ाइव स्टेप इवोल्यूशन के जैसे समझ लो आप ठीक है इग्नोरेंस इग्नोरेंस के बाद में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बाद में ग्रेटिट्यूड फिर उसके बाद में रिस्पेक्ट फिर डिवोशन ऐसे एक आदमी की जर्नी चलती है किसी भी एक कोई पॉजिटिव तरीके का जाता है इंसान तो ठीक है पहले हम इस दुनिया में आते हैं इग्नोर होते हैं हम लोग हमारी बॉडी के बारे में हमें पता होता है बस ठीक है फिर हम कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं ठीक है फिर उससे हमारा चीज़ें आगे डेवलप होती है एग्जाम्पल के लिए आ, जब मतलब ये ह्यूमन काइंड जब डेवलप हुआ तो वो इग्नोरेंस था ठीक है फिर उसने कुछ एक्सपीरियंस किया जैसे कि उसने देखा एक चमकती हुई एक सूरज की कुछ चीज़ है जो हमें रोशनी देती है जो हमें जलाती भी है और कई सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस करते करते समझ में आया कि सूर्य देवता बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं के कारण हमको जितनी भी फल फ्रूट सब्जी क्लाइमेट चेंजेस केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सूर्य देवता के कारण हो रहे हैं तो एक्सपीरियंस हो गया एक्सपीरियंस के बाद में फिर उस Uh, जो एक एंटिटी है सूर्य उनके लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप हो गई लोगों के बीच में ऐसा ही होता है अगर आप किसी को एक्सपीरियंस पॉजिटिवली कर लो तो रिस्पेक्ट आ जाती है आपके मन right. में तो रिस्पेक्ट uh, के बाद में फिर आई ग्रेटिट्यूड ठीक है ये और इंटेंस फीलिंग है इंसान की कि अब वो इंसान एक्सपीरियंस करने के बाद में उसको और चीज़ें अब किसी की जब अच्छी लगी तो उसके मन में और जो उसकी जो एक डेवलपमेंट था फीलिंग का इमोशन का वो और बढ़िया लास्ट जो इमोशन होता है फिर वो डिवोशन तो ऐसे सूर्य जो थे वो सूर्य भगवान में कन्वर्ट हो गए लोगों के लिए डिवोशन का कहीं ना कहीं मीनिंग होता है कि त्याग करना काइंड ऑफ समथिंग मतलब डिवोशन एक सुप्रीम एक मतलब फीलिंग एक इमोशन है कि आपने एक डिवोशन हम भगवान के लिए ही देखते हैं कि यार इतना मैं डिवोटी हो गया वहाँ पे तो सूर्य को ऐसे लिया कि वो सूर्य से वो सूर्य भगवान बन गए क्योंकि उनके बिना अब जीवन पॉसिबल नहीं है समझ में आ गया लोगों को कैसे एक्सपीरियंस करके जब सूर्य देवता सर्दी में जब उनकी वो कम होती है तो क्रॉप्स जो फल फ्रूट सब्जियों के भी प्रोडक्शन कम हो जाती है किसी और अदर पार्ट में बढ़ जाती है लेकिन एक पार्ट में कम हो जाती है तो वो उनका एक आ, फ्लिप साइड पार्ट है ठीक है लेकिन ये पांच जो मैंने इवोल्यूशन बताया ये हर जगह पे काम कर रहे हैं ऐसे ही हर डाइटी हर देवी देवता मतलब पहाड़ पूजने लग गए पेड़ पौधे लोग बार पूजने लग गए जैसा भी वो काम करते थे अगर एक शर्मन है तो वो पानी जल की पूजा कर रहा है क्योंकि उसके लिए वो भगवान है राइट ठीक है ना कोई पहाड़ों पे रह रहा है तो पहाड़ों की अलग-अलग तरीके से वो पूजा कर रहा है अलग-अलग तरीके से सेक्रेट तरीके से कर रहा है क्योंकि उसके लिए वहां पे रहना एक तरीके से वही फाइव इवोल्यूशन थ्योरी काम कर रही है ओके okay. पहले वो इग्नोरेंस थी hmm. फिर उसने एक्सपीरियंस किया एक्सपीरियंस के बाद में ग्रैटिट्यूड आया फिर डिवोशन आ गया सॉरी फिर रिस्पेक्ट आई फिर डिवोशन आ गया तो okay. ऐसे ही ये जो कल्चर डेवलप हुआ मूर्ति पूजा का ये इसी तरीके से हुआ क्या इतनी चीजें एक्सपीरियंस सूर्य के बिना जिंदगी नहीं चल सकती कैसे चलेगी बताओ आप राइट right. तो ये इस तरीके से मूर्ति पूजा की जो चीजें हैं वो स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं बट कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो पहले प्राचीन के काल के जो हमारे टेम्पल्स थे कि उस समय पे जो आ, मूर्ति स्थापना हुई थी वो ही आज की डेट में हम उसी को मानने हैं। आज की डेट में जो नए बन रहे हैं ठीक है कहते हैं कि भगवान का वास तो वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसान उनको डिवोट करना चाहे या इंसान उनको उनके प्रति कहीं पे भी डिवोट तो हो सकता है ना हुँ। तो भगवान का वास तो चाहे पत्थर में भी अगर मैं पत्थर को पूजे लू ये तो उसके पीछे उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है की देखो ये जितने प्राचीन मंदिर है यहाँ पे इतनी सारे यज्ञ तपस्याएं मंत्र पूजा पाठ हो उसकी एक वाइब्रेशन तो देखो है ही है ठीक है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉडर्न टेम्पल्स है वहाँ पे ऐसा नहीं है ये सब फीलिंग और ये जितनी भी चीज़ें ना ये इमोशंस की बात है हो सकता है मेरे को मेरे बिल्कुल पास के घर में बहुत ज़्यादा कोई मंदिर हो और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और आप हो सकते हो कोई बहुत कोई उज्जैन जाकर आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हो तो ये तो डिवोशन पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हैं फीलिंग्स पर्सनल लेवल पे काम कर रही है आपने क्या एक्सपीरियंस किया मैंने परम जी को बहुत पॉजिटिव तरीके में एक्सपीरियंस किया मेरी लाइफ में तो मेरे लिए वो फाइव थ्योरी एक्सपीरियंस वैसे काम कर रहा है अगर मैंने नेगेटिवली किया तो क्या होगा सुपरस्टिशन हो गया फियर हो गया गिल्ट हो गई okay. अगर इसमें अटैचमेंट और अभी रेस्पेक्ट की बात करें जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत तो कौन सा टाइम आता है मैं अब भगवान, से जब भगवान आपको अपने नजदीक बुलाता है उससे पहले बुला है उसका ये तो ये भी बहुत डीप फिलोसफी आई नो सबका डिफरेंट 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 है लेकिन ज्यादातर मैं बहुत मतलब जब मैं चार्ट देखती हूँ लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल तब उनका कुछ ऐसा देखो जब भी भी एस्ट्रोलॉजी के पास में एस्ट्रोलॉजी के पास में कोई जा रहा है तो उसका समय कुछ ऊपर नीचे है ठीक है ना वो पता चलता है वो छः आठ बारह की दशा महादशा उसकी चल रही है छठे घर की महादशा चल रही है तो वो लोन में है झगड़ों के अंदर है अष्टम में चल रही है तो वो स्कैंडल में है और बारहवीं की चल रही है तो वो लॉसेस में है और उसमें और भी कुछ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन लगा देगा ठीक है ना और उस वक्त सारी बात करके उससे सिर्फ ये पूछ लेती हूँ मैं कि इस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो आपका मतलब डिविनिटी की तरफ आपका क्या मतलब झुकाव है तो बोलते है हंड्रेड परसेंट है अब तो लगता है यही बचाएंगे Hmm, अब तो हाँ क्योंकि और सब कुछ खत्म हो चुका है होप खत्म हो चुकी है सब कुछ खत्म हो चुका है जो जानकार थे जो उनकी एक बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी जो उनकी पावर था जो उनका मनी था वो कुछ भी काम नहीं आ रहा है मैं सिंपली पूछती हूँ उनसे अब क्या मतलब कैसा लगता है आपको तो बोलते हैं बहुत कनेक्टेड फील होता है भगवान से okay. लगता है कि कहीं से कुछ चीजें भगवान अपनी तरफ खींच रहा है तो बुरे समय के टाइम पर ही भगवान आपको अपनी तरफ खींचता है बाकी समय में वो आपको लगा के रखता है

कि अगर कोई काम करने में जा रहा हूं अगर मेरा विश्वास ही नहीं है मेरा विश्वास ही डगमगा रहा तो मेरे तो काम का घंटा होगा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप कुछ भी चीज लाइफ में कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आती है ट्रस्ट आप चाहे ट्रस्ट अपने माँ बाप को लेके कर लो कि मैं अपने माँ बाप के पैर छू के जा रहा हूँ आशीर्वाद लेके भाई कहते हैं ना कलयुग में अगर धरती पे कोई जिंदा भगवान है तो वो माँ बाप ही है इसमें क्या विचार है आपके देखो सबसे ऊपर ही काम ट्रस्ट और फेती करता है और भगवान के पास मतलब आप ईश्वर के पास में जब जाते हो ना तो ये दो फैक्टर तो बहुत जरूरी है ट्रस्ट और फेथ क्योंकि वो दिख ऐसे दिख तो नहीं रहे आपको तो आप वहाँ पे क्या चीज़ें काम कर रही है ट्रस्ट और फेथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवन जो भी आप मैनिफेस्टन या जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स या जितनी भी जो भी लेवल पर जो भी चीज़ें काम कर रही हैं वो इसी पे ही काम कर रही है ट्रस्ट और फेथ के ऊपर ही क्योंकि चीज़ें यहाँ दिख नहीं रही हैं कुछ भी ओके आप एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हो आपने देखा भी होगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना बहुत सारे योग होते हैं उनके बारे में बताओ कौन कौन से वो पावरफुल योग होते हैं डिपेंडिंग टू पर्सन टू पर्सन और कौन से वो वाले योग होते हैं जिनसे आप कहीं तो पावर मिल जाएगी और कहीं आप बिल्कुल ही डीप डाउन चले जाओगे ठीक है देखो बहुत सारे हजारों योगाज हैं योग हैं इस साइंस के अंदर ठीक है और उसमें से मैं कुछ मतलब किसी पे हम मतलब दो चार पे हम बात करते हाँ, हैं ठीक हाँ. है क्योंकि वो जनरल में बहुत सारे मतलब अगर दस में से सात आठ लोगों में वो कॉम्बिनेशन होते हैं ठीक है okay. जैसे कि एक है विषयोग ठीक है चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन ये अगर साथ बैठे हुए हैं तो आप उन लोगों में एक सैडनेस हमेशा रहती है ठीक है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि सैडनेस है डिले है ठीक है चीजों को डिले करता है तो वो लोग चीजों को लेके ना बड़े ही सुस्त से रहते हैं मन में उनके एक विश मतलब एक पॉइजन रहता है हमेशा एक उदासी का okay. अब वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है वो डिपेंड करता है किस भाव में बैठा हुआ है छोटा सा मैं एक और एग्जांपल देती हूँ अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का भाव है फैमिली अगर वो योग शनि और चंद्रमा का कुटुम्ब के भाव में पड़ रहा है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई तुम अपने फैमिली के किसी बातों को लेके बहुत ज्यादा सैड सैडनेस में रहते हो दुखी रहता है मन हमेशा पॉइजन रहता है मन के अंदर किसी फैमिली मेंबर्स ने ऐसी चीजें बोली हुई है तुमको जो तुमको मन के अंदर जहल जहर गुला गुला हुआ है तुम्हारे मन में ओके। ऐसे ही तीसरा भाव जो है वो भाई बहनों का है ठीक है ना सिब्लिंग्स का है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपके सिब्लिंग्स के साथ में ऐसी कुछ चीजें हुई हैं कि आपका पॉइजन आपके मन में भरा हुआ है पंचम भाव बच्चे का है तो बच्चे के साथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि मन में आपके पॉइजन भरा हुआ है सप्तम भाव पार्टनर स्पाउस का है वहां पे शनि चंद्र है तो पार्टनर को लेके इंसान उदास है ओके okay. कुछ एक्सपीरियंस हुए कि उसका मन वहां पे उदास रहता है तो ऐसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और है ना इसका सॉल्यूशन भी मैं अभी बताऊंगी इसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए लेकिन ये कुछ पास्ट लाइफ के कर्सेज हैं जो इस लाइफ में उसको भोगने हैं और ये योग है ना ये बताते हैं कि भाई इन चीज़ों को अगर आपने ये होता है ना कि पार्ट ऑफ लाइफ जैसे डायबिटीज़ हो गई तो वो कभी ऐसे ठीक नहीं होती है वो है। आपके मतलब आपको उसको बैलेंस करके ज़िंदगी भर चलना पड़ता है ठीक है ना क्योर नहीं होती वो हो पूरी तरीके से वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है आपकी ठीक है आपको लाइफ ठीक करके उसको अपने साथ लेके ठीक से चलना पड़ता है तो ऐसे ही ये जितने भी इस तरीके के योग होते हैं ये लाइफ भर आपके साथ रहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे वेद मंत्रों में बताए गए हैं कि ये करने के बाद ऐसे मंदिर बताए गए हैं ऐसे वेद मंत्र बताए गए हैं ऐसे आ, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई गई जिनको करके आप इनको न्यूलीफाई कर सकते हैं इनको कम कर सकते हैं इस poison को कम कर सकते हो आप कुछ हैं जो शेयर कर हाँ, सकते हो मैं भी इस पर भी आऊंगी तो ये कॉम्बिनेशन हुआ ऐसे ही जैसे राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है ये अंगारक योग है ठीक है मंगल पूरा मतलब फायरी प्लानिट है और राहु वास्टनेस है बड़ा तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर पत्रिका के अंदर किसी के साथ में बैठ जाए एक ही भाव के अंदर और त्रिकोण का भी संबंध होता है इसके अंदर मैं बहुत मतलब उस टर्म्स में नहीं जाऊंगी इजी लेके चलूंगी तो ये एक तरीके से भयानक एक योग होता है इसमें इन लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े इंटेंस होते हैं मतलब वेपन्स तक तक भी यूज़ हो जाए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे सिद्धू मूसेवाला की जो कितने वेपन्स कितने वो दिखाते थे अपने अपने सॉन्ग्स में भी कितने यूज करते थे वो हर गाने में वेपन्स वेपन्स उनके तो ये कॉम्बिनेशन उनके कॉम्बिनेशन था मेरे पास में चार्ट उनका क्योंकि वो मैं पूरा डाटा सेव करके रखती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल डाटा है वो तो वो परचेज है वो उसमें जितने भी ऐसे सेलिब्रिटीज और जो भी ऐसे हैं उन लोगों का पूरा है तो उसमें मैंने देखा था उनके ये कॉम्बिनेशन था राहू मंगल का अंगारक योग तो ऐसे लोगों को बड़ा ही पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें इवेंट्स ऐसी होती इस लाइफ में वो अपनी हर चीज को बहुत इंटेंस तरीके से शो करते हैं लोगों को दिखाते हैं हर चीज़ गाड़ियां लेंगे तो दिखा रहे हैं एक के बाद एक व्हीकल्स mm -hmm. इंटेंस फीलिंग है उनको बहुत ज़्यादा वेपन्स दिखा रहे हैं वेपन्स को दिखा रहे हैं शो कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं फायर है कहीं ना कहीं उनके और उनकी जो डेथ भी हुई आपको पता ही वो किस mm -hmm. तरीके से तो ये अंगारक योग उनके चार्ट में बहुत ऐसे बहुत सारी हॉरोस्कोप है जो मैं मतलब मैंने वो कॉम्बिनेशन हंड्रेड परसेंट काम करते हुए देखा है और जिन लोगों के कॉमन जो लोग होते हैं अंगारा योग बना हुआ होता है तो फिर उनके एग्जाम्पल टेंथ हाउस से बना हुआ है तो बॉस के साथ में हमेशा एक मतलब अंगारे जैसे योग बने हुए रहते हैं क्लाशेज होते रहते हैं होते रहते हैं लड़ाई झगड़ा चलता रहता है छूट जाती हैं चीज़ें तो ये ये कॉम्बिनेशन हो गया ठीक okay. है ना फिर ऐसे ही मंगल शनि का कॉम्बिनेशन एक आ, अब देखो ये है ना कॉम्बिनेशन कई कई चीज़ों में कुछ पॉजिटिव भी होते हैं जैसे राहु मंगल का जो मैंने अंगारा के योग बनाया ना तो ये हिटलर के भी था तो और या फिर किसी सपोज तो कोई आर्मी मैन के है कोई मिलिट्री वाले के है और आप उसको वॉर में भेज दो तो वो बहुत अच्छा वहाँ पर जीत के आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो करेज है okay. वो पॉजिटिव वहाँ पर हो गया या आर्मी के जितने भी आ, बेस कैंप्स होते हैं बड़ा जो जगह क्योंकि राहु वास्टनेस है मंगल फायर है ठीक है ना वेपन्स हैं आपके तो जहाँ पे ऐसे वेपन्स रखे हुए हैं

स्पिरिचुअल रेमेडीज करने के लिए तो वो फायर जल रही है वहाँ पर ओके okay. मैं योग के साथ साथ मुहूर्त को एड करूँगा अगर आ, हम थोड़े टाइम पहले देखे ना तो मुहूर्त को आज की डेट में बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है हुँ. कि आ, नहीं ये सही मुहूर्त नहीं है ये गलत मुहूर्त है इसके पीछे क्या लॉजिक है एक है बेसिकली मुहूर्त मुहूर्त एक टाइमिंग शास्त्र पूरा लिखा गया है एक मुहूर्त चिंतामणि के नाम से एक पूरी वो है जिसमें डिफरेंट मोहूर्त के बारे में बताया गया है इवन हर छोटी चीज के बारे में कि आप बाल कब कटवाओगे बेबी का नाम कब नामकरण संस्कार कब होगा थ्रेड सेरेमनी कब होगी तो ये भी एक बहुत ही मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं इन शास्त्रों के अगर देखो छोटी सी चार चीज़ें हैं ये जो वैदिक काल से ही जो चीज़ चल रही है हमारी इसमें मैं ना चार चीज़ें इंपॉर्टेंट लेती हूँ जैसे कल्प कल्पा था जिसमें हम यज्ञ किया करते थे ठीक है ना और यज्ञ के बहुत सारी चीज़ों पर किया जाता था मतलब नेगेटिव वे भी किया जाता था पॉजिटिव वे भी किया जाता था आ, कुछ चीज़ें एक्वायर करने के लिए भी किया जाता था किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी किया जाता था ठीक है और उसके बाद में फिर आपका ज्योतिष हो गया फिर आपका शिल्प शास्त्र हो गया फिर आपका श्री विद्या हो गया ये चार जो सेगमेंट्स हैं वैदिक काल के यहाँ पे पूरी तरीके से ज्योमेट्री का यूज़ हुआ है मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये सारी चीज़ों का यहाँ पे बहुत डीपली यूज़ हुआ है पहले ये साइंस सिर्फ इसलिए मतलब वापस वही मैं बात बोलूँगी कि जैसे आजकल इसको जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टुड और मिसयूज साइंस के जैसे मैं बोल सकती हूँ मिस यूज सबसे ज़्यादा इसका हुआ है और मिसअंडरस्टूड भी सबसे ज़्यादा ये साइंस हुई है एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष मैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बोलूँगी मैं ज्योतिष बोलूँगी ज्योतिष मतलब लाइट एक डिवाइन लाइट ठीक है और ज्योतिष की वजह से ही हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स डेवलप हुए अगर इसका सेंटर में बताऊँ तो उज्जैन ठीक है और उज्जैन मध्य प्रदेश है मतलब ये सेंटर था और उज्जैन में ही उज्जैन से ही उस टाइम पे वैदिक काल में टाइम की गणना की जाती थी कि अभी क्या समय हुआ है कैसे इसको थोड़ा सा ये उस टाइम पर, पर देखो आप ये इतनी सारी थ्योरीज आई आपने पाई थ्योरी आई थ्योरी आई उस टाइम पे ये सारे उस वक्त उज्जैन में इतने बड़े बड़े आर्यभ्टीरा माधवन ये सारे लोग इतने ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस एस्ट्रोलॉजर्स हुए एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है ठीक है अब तो चलो सॉफ्टवेयर बन गए सब चीज़ें बस आप ना, नाम टाइम डेट ऑफ बर्थ डालो चीजें निकल के आ जाएगी बट क्या वो सॉफ्टवेयर करेक्ट है वो करेक्ट होते हैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करेक्ट है, है okay. लेकिन उस टाइम पे आप सोचो जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो इतनी डीप कैलकुलेशन ग्रहों की क्योंकि ग्रहों का इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन माइंड पे बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग कैसे करते थे और ये सिर्फ प्रडिक्शंस के लिए नहीं करते थे वो लोग ये पूरा जियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसे चलेगा कहाँ पे बरसात कब होएगी कहाँ पे मौसम कब कैसा रहेगा कहाँ पे नदी के पास में लोग रहेंगे कब नहीं रहेंगे ये इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हुए उस टाइम पे वो कैलकुलेशंस कर करके एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से कैलकुलेशंस पे है ज्योमेट्री पूरी यूज़ की गई है उस वक्त ठीक है ना एक आ, सर्कल का क्या स्पेस उस वक्त ये आ, जो पा, पाई जो थ्योरी है वो तो बहुत बाद में आई सेवनटीन सेंचुरी में उससे पहले ही उज्जैन के अंदर इतने बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉमर्स और जो मैथमेटिशियंस हुए वो सब कुछ निकाल के बैठे हुए थे तो मैंने बोला ना एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और मिसयूज साइंस गई हुई है क्योंकि कमर्शियल लोग इसको यूज़ करने लग गए बहुत ज़्यादा और क्योंकि ये ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है तो फ्यूचर प्रडिक्शन्स इस पर होने लग गए तो लोगों ने इसका जो एक ह्यूमन क्राइंड काइंड के ऊपर जो एक पूरा एक जो पॉजिटिव यूज़ होता था उसको साइड में रख के सिर्फ एक वन टू वन यूज़ करने लग गए लोग का मैं कब सोऊंगा मैं कब उठूंगा वही मेरी कब शादी होगी मेरे कब बच्चा होगा मेरी कब जॉब लगेगी उस वक्त इस तरीके से वो डिस्कस नहीं की जाती थी उस वक्त पूरा मतलब एक भारत के मतलब पूरे कैसा मतलब ये कंट्री चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो सोशल फॉर्म्स हो चाहे जितनी भी चीज़ें हो उन सब में कैलकुलेशंस ज्योतिष की यूज होती थी okay. मतलब इवन कोई भी वॉर होएगा तो कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है मतलब ऐसे बारिश होगी किस वक्त अकाल पड़ेगा जब शनि टॉरस राशि में आता है तो उस वक्त शनि बहुत ही स्लो प्रोसेस्ड वो है और टॉरस राशि खाने पीने की राशि है तो टॉरस में जब भी शनि आता है तो स्कैरसिटी जाती है फूड की okay. तो जब भी शनि टॉरस में आएगा तो वो लोग अब तो सॉफ्टवेयर कर लेता है दो मिनट के अंदर लेकिन वो लोग उस वक्त करते थे तो उससे पहले ही वो लोग तैयारी कर ले सारी कि भाई इतने लोगों का खाना पीना ये सब कैसे मैनेज होगा तभी आप देखो ना जितने भी हमारे प्राचीन काल के के पुराने हिस्ट्री के उनमें अच्छे से ज्योमेट्री वो। वो आ गई okay. पूरी तरीके से वही चार पार्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे यज्ञ कल्पा जिसको बोलते थे उसके बाद में ज्योतिष ज्योतिष में भी ये तीनों ही चीजें यूज होती है मैथमेटिक्स और टिग्नोमेट्री और आपका कैलकुलस और यज्ञ में भी यही क्योंकि यज्ञ के भी अलग अलग फॉर्मेट बनते थे आप मानेंगे नहीं कि आ, इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी कितने कैसे होते थे ये लोग एक उंगल मतलब को नापने के लिए कि यज्ञ का फॉर्मेट भाई आपको अगर विक्ट्री लेनी है तो ट्रायंगुलर शेप का यज्ञ का वो पैटर्न बनेगा उसमें इतना ही इसका रेडियस होगा इतनी स्पेस होगी सब कुछ कैलकुलेटेड था कैसे करते थे इनके पास इक्विपमेंट्स क्या थे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ hmm. से एक उंगल नापा जाता था ये इनके उस टाइम पे वैदिक काल में hmm. सीसेम सीड जो है सबसे ओल्डेस्ट ऑयल जब एक ह्यूमन बीइंग जब डेवलप हुआ जानने लगा इग्नोरेंस से बाहर आया तब सबसे ओल्डेस्ट ऑयल है इसलिए पूजा के अंदर सीसम ऑयल का यूज करना बहुत पावरफुल एक रेमेडी है बहुत सारे ग्रहों की बहुत सारे ग्रहों को शांत करने की शनि मंगल राहु यूज करना चाहिए रोज डेली उसकी दीपक करना चाहिए सीसम का सबसे ओल्डेस्ट वो लोग अपनी सारी कैलकुलेशंस में वो यूज़ करते थे कि बत्तीस सीसम से लेंगे तो एक उंगल इसको डबल कर दो तो दो उंगल इसको और कर दो तो ऐसे इस तरीके से यूज किया जाता okay. था कैलकुलेशंस के अंदर क्योंकि उस पर कोई सॉफ्टवेयर तो थे नहीं राइट तो वो वही फिर आ गया फिर आपका ज्योतिष मैंने कवर कर लिया फिर शिल्प शास्त्र मतलब जितने भी टेम्पल्स के अंदर जो आर्किटेक्चर यूज हुए वो भी पूरी तरीके से ज्योमेट्री पे बेस्ड है ठीक है फिर लास्ट था आपका श्री विद्या श्री विद्या जो है वो पूरी तरीके से प्रोस्पेरिटी ब्यूटी लग्जरी को गेन करने के लिए एक मैनिफेस्टेशन है एक गॉडेस की लक्ष्मी गॉडेस की तो ये चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी बाद में छेड़छाड़ कर करके कर करके -कर 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 -कर, इसको कमर्शियल चीज़ें कर करके -कर -कर और इन चीज़ों को बहुत बिखेर दिया तो कई लोग इसको सुपरस्टिशन मानने लग गए लेकिन ये बहुत रिच कल्चर है बहुत रिच साइंस है ओके okay. जैसे आपने अभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बताया तो सिमिलर कहीं ना कहीं इनकी आप रेमेडीज भी बताओ क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लोग बाग बता जाते हैं बट मैं चाहता हूँ ऑडियंस जो बैठी है ना उनको पता लगे ना कि उनको प्रॉब्लम तो समझ आ गई लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो दिखना चाहिए solution. तो थोड़ा सा रेमेडी पे भी आप प्लीज बताओ तो मैं यहाँ पे है ना तीन चार प्लान ही ले लेती हूँ और मेलेफिक्लान्स ले रही हूँ क्योंकि उनका इम्पैक्ट ह्यूमन माइंड पे बहुत ज्यादा हार्श है ठीक है ना ऐसी कंडीशन में वो आपको आपके कंफर्ट जोन में से निकाल के बाहर फेंक देते हैं और कंफर्ट जोन पसंद होता है हम लोगों को बाहर जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं फिर हम परेशान होते हैं और चीज़ों को ढूंढने लगते हैं सॉल्यूशंस को ठीक है तो उनमें सबसे पहला ग्रह का काम होता है राहू का ठीक है राहु अगर ऑपरेट हो रहा है आपकी दशा अंतरदशा में आपकी जन्म पत्रिका के अंदर तो सबसे पहले आदमी में जो चेंजेस आएंगे उसके थॉट में सबसे पहले डाउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं नहीं? पचास चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है और वो इतना कंफ्यूज रहता है उस वक्त में कि यार ये कर लेता हूँ ये नहीं ये काम करता हूँ क्योंकि राहु डाउट्स देगा आपको अब इंसान परेशान होना स्टार्ट हुआ ठीक है और रेमेडी भी मैं आ रही हूँ फटाफट फिर है शनि ठीक है शनि अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो डिलेज है वहां पे डाउट्स था जल्दी बाजी भी राहूट राहु थोड़ा वो भी है कि चीजों को बड़ा दिखाता है बड़ा दिखाता है वो है ही मतलब वो चलो वो बहुत फिर और वास्टनेस है राहु की ऐसा नहीं है कि देखो हर प्लेनेट की हर ग्रह को आप कभी भी नहीं बोल सकते ये खराब है ये अच्छा है कोई भी चीज ऐसी नहीं है भगवान के अंदर सृष्टि के अंदर सॉरी जो भी ईश्वर से गवर्न हो रही है ठीक है ना अच्छी भी चीज चाहिए तो बुरी भी चाहिए साथ ही तो तो आएगी सब तो आएगी सब हाँ। ना एक चीज पता ही नहीं चलेगा कि अच्छी क्या थी बुरी क्या थी ठीक है ना तो आ, इन जनरल राहु का अगर टाइम पीरियड चलता है तो कंफ्यूजन रहेगा बड़ी चीजों के पीछे इंसान भागेगा डिजायर उसकी बढ़ जाएगी माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा ठीक है तो उसके बाद में अगर ऑपरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आदमी चीजों के अंदर डिले कर रहा है या डिले हो रही है उसकी चीजें टाइम पे नहीं हो रही तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा उसको लग रहा है यार टाइम पे नहीं होती मैं एक काम को करने जाता हूँ उसमें इतने दिन लग जाते हैं मेरे वही मेरे साथ के लोग हैं हर चीज उनकी टाइम पे हो गई प्रमोशन टाइम पे मिल गया शादी टाइम पर हो गई मेरी चीजें टाइम पे नहीं हो पाती तो शनि ऑपरेट हो रहा है उसका कहीं ना कहीं तो चीज़ें डिले चल रही है ठीक है फिर आप ले आओ केतु केतु क्या है कटर है कट करता है राहु मतलब एंट्री पॉइंट है और केतु एग्जिट पॉइंट है ये दो पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है तो एक एंट्री है एक एग्जिट है राहु डिज़ायर दे रहा है केतु उस डिज़ायर को ब्रेक कर रहा है ओके okay. जितनी डिज़ायर आप करते जाओगे उतने जन्म आप लेते जाओगे फिर केतु उसको ब्रेक करता जाएगा ये एक फिलॉसफी मतलब है ठीक है तो आ, अब क्या हुआ केतु कटर है केतु जब ऑपरेट होता है तो चीज़ें लो, लोगों की चीज़ें छूट रही होती है जॉब चली गई शादी ब्रेक हो गई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया किसी से कुछ पंगा हुआ चीज़ें खत्म हो गई कोई कॉलोब्रेशन था वो ख़त्म केतु ने ब्रेक कर दिया ठीक है तो केतु ऑपरेट हो रहा था तो वो ब्रेक हो रही तो वो वैसे परेशान है ठीक है और ऑल दो ये सारे प्लैनेट्स है ना मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये ना बहुत ट्रिगर करते हैं इंसान की ज़िंदगी को और लाइफ को और सच में कुछ मतलब है ना वो एक आ, कुछ होता है ना कि ये जब चल रहा होता है ना तो आदमी का लाइफ बड़ी अलग से चल रही होती है और और जब वो टाइम चले जाता है और उससे पूछो आप कि भाई तेरा बेस्ट टाइम क्या था तो वो बोलेगा कि यार वो जो मेरी टाइम चल रहा था ना उस टाइम पे जो मैंने अचीवमेंट्स किए जो भागा दौड़ी करी जो जिंदगी में बसर चल रही थी hmm, वो इतनी बेस्ट थी कि है ना आज सब कुछ मैंने एक्वायर कर लिया अब मैं शांति से बैठा हुआ लेकिन शांति से बैठना कब तक बैठ लोगे आप इंसान है उसको तो रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए अब सब कुछ कर लिया गाड़ी भी आ गई पैसा भी आ गया प्रोस्पेरिटी भी आ गई अब नेक्स्ट क्या डिजायर तो खत्म नहीं हो रही है तो ये प्लैनेट्स है ना मतलब बहुत अच्छे मतलब दमदार प्लैनेट्स हैं ये लाइफ में ना आपको फोर्स देते हैं कुछ करने के लिए okay. परेशानियां देते हैं खूब लेकिन फोर्स भी यही देते हैं आपको ये प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा अगर नहीं आ रही सॉरी महादशा कोई लंबी नहीं आई है तो वो इंसान एक मतलब वाटर वर्क की वो गवर्नमेंट की जॉब होती है ना सुबह गया नौ बजे पानी वो जल विभाग में क्या ही काम होता है है ना पानी की टंकी भर गई क्या जल जल विभाग विभाग वाले नाराज हो आप तो <laughs> में तो, क्या काम होता है तो वो सुबह जाएगा इस तरह की जो भी डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे वो आराम से शांति से जिंदगी चल रही है शाम को आएगा सब्जी खरीदता हुआ घर आ जाएगा बच्चों के साथ में बैठेगा आराम से अपनी लाइफ कर रहा है उसकी लाइफ में कोई तरह की ऊपर नीचे नहीं चल रही है ठीक है इच्छाएं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए इच्छाएं नहीं होगी तो आप मतलब सरवाइव कैसे करोगे ओके ये है बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तो इच्छाएं चाहिए स्पिरिचुअलिटी की भी तो इच्छाएं चाहिए करेक्ट तो कोर है वो तो वो तो चाहिए ही ठीक है तो केतु कटर हो गया उसने okay. चीज़ों को काट दिया तो शनि राहु, आ, केतु और एक मंगल और ले लो आप मंगल जो है ना वो पूरी तरीके से करेज ठीक है और फाइटिंग और आ, मतलब होता है ना खुद के बलबूते पे चीज़ों को खड़ा करना वो मंगल की चीज़ें हैं अग्नि जितनी भी चीज़ें ठीक है ना और मंगल को हम जानते हैं भूमि पुत्र है वो ठीक है ना तो भूमि पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैं कैसे एक्वायर करूं ये मंगल की पावर है तो मंगल के टाइम पीरियड में भी आदमी बहुत भाग रहा दौड़ रहा होता है चीज़ें बना रहा होता है प्रॉपर्टीज बना रहा होता है लैंड के अंदर डील कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ें उसकी चल रही होती है अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसके चार्ट में ये प्लानट्स कैसे बैठे हुए हैं अब वो कैसे भी बैठे हुए अच्छे भी बैठे हुए हैं तो ये प्लैनेट्स बहुत कुछ दे के जाएंगे लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड तो लेके जाएंगे पीस ऑफ माइंड में नहीं रखेंगे आपको ये प्लैनेट्स ऑपरेट हो रहे हैं तो आप उस आदमी को पीस ऑफ माइंड में नहीं देखोगे वो भागता दौड़ता गिरता पड़ता अपनी ज़िंदगी में भाग रहा है आगे okay. बना रहा है चीज़ें वो कोई बात नहीं है चीज़ें एक्वायर कर रहा है वो सब चीज अलग है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं रहता इसमें तो जितने भी लिटिगेशंस हो गए डिजीज हो गई सैटर्न है ना कोई लॉन्ग एलिमेंट देता है लॉन्ग टर्म जो दस साल से चल रही कोई बीमारी बीस साल से चल रही ठीक ही नहीं हो रही है उससे आपको इनलेस या होते? बिल्कुल हंड्रेड परसेंट होते चार्ट खोलते ही पता चल जाता है ओके। उसको नहीं हो रहा तो फैमिली में किसी को हो रहे चौथे घर में शनि बैठा है तो मदर को लंबी बीमारी देगा कोई ना कोई भगवान की दुनिया को कोई नहीं समझ पाएगा मुझे तो ऐसा लग रहा है वही है मैं बता रही हूँ देखो एक चीज और बताऊ में आपको बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये भी कि जो भाव, जो भाव ग्रह आपको सक्सेस देते हैं ना वो उसके फ्लिप साइड उसके अपोजिट साइड वही भाव और ग्रह आपके पीस ऑफ माइंड को ले लेते हैं वो अपोजिट है उसके जैसे एग्जांपल के लिए छ आठ ग्यारह तीसरा भाव तीसरा भाव छठा भाव ग्यारहवा भाव ये ना डिजायर के हाउसेज हैं सातवा भाव डिजायर काम के हाउसेज हैं ये और वृद्धि के हाउसेज हैं फेम के हाउसेज हैं पब्लिक के हाउसेज हैं और ये हाउसेज ऑपरेट होते हैं अपोजिट साइड में ये भाव जो है ना लिटिगेशन के, के भी भाव हैं झगड़ों के भी हैं परेशानियों के भी हैं डिजीज के भी हैं तो दोनों चीजें चल रही होती है hmm. इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं होगी फैमिली में किसी को है फैमिली के लिटिगेशन चल रहे छोटे भाई बहन को कोई परेशानी हो गई वाइफ को कोई परेशानी है वाइफ को कोई डिजीज है तो ये जितने भी भाव बने पता है ना तीसरा भाव छठा भाव सातवां भाव दसवां भाव दसवा भाव आपके रिकॉग्निशन आपका सोशल स्टेटस ग्यारहवा भाव आपका लार्ज नेटवर्क और ग्यारहवा भाव आपके अतिशत्रु पाँच हजार साल पहले जब ये साइंस डी करी हमारी ऋषि मुनियों ने तो इन भावों को सबसे नर्क के भाव बताए गए थे कि इन भावों से छुटकारा पाने के लिए आप मोक्ष के भाव को पकड़ो और आज कलयुग में ये भाव सबसे भाव सबसे ऊपर रखे गए क्योंकि डिजायर के भाव यही है पैसे देने वाले पावर देने वाले फेम देने वाले भाव ये है लेकिन जब ये भाव एक्टिवेट होते हैं ना आदमी पैसा खूब आ जाता है फेम आ जाता है लेकिन और जो <coughs> परेशानियां ना वो ऐसी परेशानी होती है जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता ठीक नहीं होती वो ग्यारहवा भाव जो है ना वो बहुत लेवल लेवल पे फेम का है। यूज लेवल पे फेम फेम का का है है लार्ज नेटवर्क लेकिन ग्यारह भाव जब ऑपरेट होता है तो आपके बहुत सारे शत्रु भी बनते हैं बहुत एनिमीज बनते हैं हिडन एनिमीज बनते हैं आप खुद के एनिमी खुद ही बन जाते सबसे पहले तो क्योंकि ग्यारहवा भाव सबसे एक्सट्रीम डिजायर है कैसे खुद के एनिमी कैसे खुद के बन गया ना अब एनिमी अब आपको भाई ग्यार भाव बहुत सारे पैसे का है बहुत संपन्नता का है ठीक है डिजायर का है हमारे ऋषि मुनियों ने इसको मतलब मारक भाव बताया गया है अच्छा भाव नहीं बताया गया है लेकिन तो कलयुग में सबसे अच्छा भाव ये है अगर इसकी टाइम पीरियड चल रहा है तो आप आंख बंद करके बोलो आदमी के पास बहुत पैसा आ रहा है लेकिन ये मारक है क्यों क्योंकि आदमी खुद का दुश्मन है अब उसके डिजायर रुकी नहीं रही है

वो फ्रेंड हमेशा फ्रेंड नहीं रहेगा वो किसी दिन आपकी किसी बात से नाराज होगा वो आपका एक खड़ा हो गया hmm. तो ग्यारवा भाव फ्रेंड्स का है तो जितने फ्रेंड्स बन रहे हैं जितने फॉलोअर्स बन रहे हैं वो ही आपको एक दिन गिरा भी सकते हैं अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया मेरे साठ हजार शत्रु बन गए <laughs> <laughs> हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अगर आप इसका साइड देखोगे तो यही बात है जो लोग बहुत फेम देखते हैं ना और जब उनका कुछ नीचा टाइम आता है तो वही पब्लिक जितनी उनको ऊपर पहुँचाया था ना exactly. वही पब्लिक उनको फिर फैक ये फैक्ट है तो ग्यारहवा भाव बहुत छठा भाव तीसरा भाव लड़ने की ताकत देते हैं इंसान को बहुत आगे बढ़ा देते हैं लेकिन परेशानियों की जो जाल बुनते हैं ना निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उससे कहते हैं ना इच्छाओं का अंत नहीं है इच्छाओं का लेकिन मुझे लगता है इच्छाओं का अंत होना चाहिए होना चाहिए समझना चाहिए आप समझना अपनी इच्छा कहाँ पे आपको रोकनी है रोकनी है लेकिन वो इतना डिज़ायर वहाँ पे होता है ना कि आप उसको रोक ही नहीं पाते हो क्योंकि ऐसे जैसे होता ना कोई बाढ़ आ गई कोई चीज़ों की ऐसे हो रहा था चीज़ें है ना कि रातों रात मतलब आप कुछ आप वायरल हो गए कई लोगों के फॉलोअर्स बढ़ गए तो वो लोग उस भ्रम में चले जाते हैं उसको परमानेंट मान लेते हैं बस वहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है वो ग्यारहवें भाव की नेगेटिविटी शत्रु आपके थर्ड हाउस आपके भी शत्रु हैं छठा घर सारा लिटिगेशन कोर्ट केसेस कॉन्फ्लिक्स लड़ाई झगड़े ऋण ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है उसकी लाइफ में इतनी मेरे पास में जन्म जन्मपत्रियाँ लोगों के कंसल्टेंसी आती है और बड़े बड़े चाहे वीपी हो चाहे डायरेक्टर्स हो सीईओ उन सब के ये भाव एक्टिव होते हैं तीसरा भाव छठा भाव दसवा ग्यारहवा जब भी पावर पोजीशन पे बैठे हुए हैं लेकिन उनका जो चीज़ें बैक में चल रही होती है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल पर होती है इनकी बीमारियाँ उनकी परेशानियाँ कॉमन इंसान सकता है भाव को? नहीं। हाँ कर सकते हैं ना अवेयरनेस अगर पता है तो ना, आप ना। बिल्कुल क्योंकि छठा भाव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाव है बारह भावों में ज, ज, मतलब जन्म पत्रिका के छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है ठीक है ना तो छठा भाव जब एक्टिव होता है और उसकी पत्री आती है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि भाई तू रोज सोचता है सुबह उठ के कि मैं अपना आज रूटीन अच्छा करूंगा पर शाम तक होते होते कुछ नहीं होता तो बोलते करेक्ट अगर ये नेगेटिवली प्ले कर रहा है तो ऋण बहुत बढ़ गया होगा शत्रु भी बहुत बढ़ गए होंगे लड़ाई झगड़े भी बहुत होते होंगे ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव hmm. में अगर वो काम कर रहा है तो आदमी ग्रो कर रहा है लेकिन जितना ग्रो कर रहा है उसके उसके और शत्रु बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे बैलेंस करना स्पिरिचुअली इसीलिए उस वक्त हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई है हम उन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं नहीं नहीं इसको ध्यान ही नहीं देना है खैर hmm. ये बहुत फिर लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा right. लेकिन ये सारी चीजें बड़ा मतलब पता मेरे को क्या लगता है मेरे को ऐसा लगता है जो जो चीजें अभी आपने बताई है hmm. ना जितने भी हमारे जो अभी आपने योग बताए थे ठीक hmm. है जो हमारे बेसिकली कर्मा से इससे पहले वाला एपिसोड अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लेना जो कर्मा वाला डिस्कशन किया था ग्रहों के बारे में तो मुझे लगता है ग्रह भी लिमिटेड है कर्म भी कहीं ना कहीं कि भगवान ने आपको ये कर्म दिया आपको करने ही पड़ेंगे तो देर इज अ लिमिटेशन इच्छाएं इच्छाओं की भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है वो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी समझ और वो आप तभी समझ पाओगे जब आप अंदर से थोड़े से स्पिरिचुअल इंसान बनोगे, बनोगे। चौथी चीज जितने भी ग्रह हैं ठीक है ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चार्ट में किसी ना किसी रूप में आएंगे ही आएंगे आप आएंगे ही, आएंगे, 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 इनसे बच भी नहीं, नहीं सकते हो सकते। तो सोल्यूशन सोल्यूशन आप बताओ हाँ। देखो सोल्यूशन यही कि ज्योतिष पूरी तरीके से एक गाइडेंस के जैसे काम करती है ठीक है ना कोई भी अगर योग बना हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव वो आपको मिलेगा ही मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा राजा बनना है आपको बड़ी जगह पे जाना है आप जाओगे कोई रोक नहीं सकता और नीचे गिरना है तो भी आप गिरोगे ठीक है अब इसमें आजकल है ना एक ट्रेंड चल गया है कि हर किसी को रेमेडी चाहिए रेमेडी चाहिए फास्ट रिलीफ चाहिए भाई बुखार आया फटाफट से सर में दर्द की दवाई लो और खत्म करो सिर में दर्द हुआ किसी को भी उसका रूट कॉज नहीं पकड़ना भी सिर में दर्द क्यों हो रहा है टाइम से नहीं सोया आप इसलिए हो रहा है ठीक है ना तो सबको रेमेडीज चाहिए क्योंकि कलयुग में हर कोई इंसान भाग रहा है ठीक है तो ये एक टूल है ये एक गाइडेंस है योग कोई बना हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव ये आपको भोगना पड़ेगा कोई एस्ट्रोलॉजर इसको टाल नहीं सकता नहीं तो एस्ट्रोलॉजर ही भगवान बन जाएगा राइट right. वही चीज़ों को बदल देगा बैठ के बैठ कर सब चीजें कर लेगा खुद की कर लेगा सबसे पहले तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रही है अब यहाँ पे पॉजिटिवली इसका मैं आपको आंसर देती हूँ अब क्या है कि आपके योग बन रहे थे एक्सीडेंट होने के ये दो महीने योग है एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि भैया ये दो महीने आप थोड़ा संभल के चलो ठीक है तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज हो गई अब आपको पता है अब क्या होगा अब आप गाड़ी चलाओगे तो नब्बे की सौ की स्पीड में नहीं चलाओगे अब आप गाड़ी चलाओगे तो पचास की स्पीड में चलाओगे जब आप गाड़ी को पचास की स्पीड में चलाओगे और जब पचास की स्पीड में एक्सीडेंट होगा तो डैमेज कम होगा या ज्यादा होगा कम होगा अगर सौ की स्पीड में चला रहे हो तो डैमेज ज्यादा होगा बहुत ज्यादा होगा तो ये सेविंग हो गई ना बहुत बड़ी है एक टूल है आपके लिए बहुत पावरफुल टूल है ज्योतिष आपको सेव कर लिया बारिश आएगी कोई रोक नहीं सकता एस्ट्रो एस्ट्रोथ रोक लेगा बारिश को बारिश आएगी लेकिन आपको पता है यार आज मैं जाऊंगा इम्पोर्टेंट काम है बारिश आ सकती है ऐसे ग्रह बन रहे हैं तो आप छाता लेके जाएंगे अम्ब्रेला बारिश को नहीं रोक सकते आप राइट right. लेकिन आप छाता लेके जाएंगे तो आप गीले नहीं होंगे पूरे करेक्ट यहाँ पे ज्योतिष रोल प्ले करती है अपना सबसे पहले तो कि अवेयरनेस आपको पता है ये मेरी वीकनेस है ये मेरी स्ट्रेंथ है अब बहुत मतलब कई लोगों को चार्ट में मैं देखती हूँ जैसे कि जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बारहवें घर में ना किसी के मेलेफिक्स बैठे हुए होते हैं ना तो उन लोगों को मैरिज के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं और कई फोर्सफुली मैरिज होती है उन लोगों की ठीक है ना तो कई लोगों मैंने ये चीज़ बता दी कि भाई आपके ऐसे है और उनको मैं बोलती हूँ भाई मैच्योरली डील करो इन सब चीजों को अच्छा अच्छा सुनने के लिए ही सिर्फ मत बताओ अच्छा अच्छा तो तुमको पता ही हमारी लाइफ में तुम्हारे साथ अच्छा है जो ठीक है ना कुछ नेगेटिव है इसलिए तुम आयो उसके लिए उसके सॉल्यूशन के लिए राइट ठीक है तो अब उनका क्वेश्चन भी उसी से रिगार्डिंग होता है जो उनके नेगेटिव था क्योंकि वो आदमी वही क्वेश्चन फिर पूछता है शादी में प्रॉब्लम आ रही है जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना रिश्ता उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है आ गई उसकी बात निकल के जो मैंने उसको बताया मैंने भाई वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो मैं तेरे को बता रही हूँ कहीं ना कहीं तो वो चीजें शब्द अलग हो सकते हैं कि मैंने बोला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो अब उसके लिए क्या करें मैंने वो तो होके रहेगा इवेंट जैसे कि बोलते कि जैसे ना जितना मेरे को मतलब लड़के का पैकेज मेरा ज्यादा है लड़के का कम है ठीक है तो फिर मैंने मना कर दिया मैंने बोला कर लो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे ये योग बने हुए तुमने बहुत कोशिश करके कोई हायर पैकेज का लड़का ढूंढ लिया

<laughs> <laughs> कभी कभी लोग ऐसे अरे कई बार तो चार्ट देखते देखते मैम ऐसा लगा हुआ है जैसे आप है ना मैं मैं यूएस में हूँ मैं लंदन में हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे पास बैठी हुई हो इतना मतलब कैसे बता दिया ऑल मैं बिल्कुल इस साइंस के वो बिल्कुल मतलब देखो भगवान ने ना आपको मुझे नहीं लगता है ये वो... ये एक ये एक डिवाइन साइंस है हाँ। और भगवान मतलब ऐसे चूज करता है लोगों को ठीक है तो मैं बिल्कुल भी कभी थॉट भी आता है ऐसा तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ लेती हूँ कि भगवान ऐसा थॉट कभी भी ना आए Right. अगर ये आ जाएगा तो ये विद्या है ये विद्या जा सकती है और मैं भी सीख रही हूँ मैं कोई परफेक्ट नहीं है हर इंसान डेली सीख रहा है तो मैं भी सीख रही हूँ बहुत डेप्थ है इन चीजों के अंदर एक दिन में नहीं होती ऑल मेरे को हो गए प्रैक्टिस करते करते स्कूल टाइम से मैं कर रही हूँ तो अट्ठारह बीस साल आप हो गए। क्योंकि आपका ना शुरू से ही कनेक्शन है कनेक्शन है, है।, है हाँ तो मैं भी सीख रही हूँ लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मजा आता है मेरे को भी सामने वाले को हिला देने में

करूंगा फेथ तो मुझे लगता है वही फिर वो फेथ से वो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ट्रस्ट ट्रस्ट से फिर आप भैया ये कर लो तो कहीं ना कहीं ये सर्कल है सर्कल है तो है। सारी चीजें आके वो सर्कल पे ही रुक जाती रुख है रुक जाती ये सारे ग्रहों की जो हमने बात कर ली हाँ। शनि मंगल राहु केतु ठीक है ना इसमें मैं बहुत जो मैं अंदर से बिलीव करती हूँ ना वो एक पाठ श्री रुद्रम श्री रुद्रम श्री रुद्रम रुद्री पाठ भी बोलते हैं इसको okay. श्री रुद्रम भी है ठीक है ना श्री रुद्रम मतलब यजुर्वेद का में से मतलब आ, का टाइम से लिया हुआ है ये और जो ओम नमः शिवाय जो है ना वो वहीं से डिराइव होता है वहीं से निकला हुआ है श्री रुद्रम में से ठीक okay. है और श्री रुद्रम के दो पाठ हैं ठीक है थीके? एक है नमकम एक है चमकम नमकम के अंदर भारत की पूरी फिलोसफी को पूजा गया है और चमकम में भारत की पूरी हिस्ट्री को पूजा गया है एक पार्ट में हम ईश्वर को प्रेस कर रहे हैं और एक पार्ट में डिवोटी अपनी इच्छाएं मांग रहा है इस पूरे श्री रुद्रम में ये इतना सेक्रेट और ऑल दो मैं तो बहुत मतलब सोचती नहीं हूँ कि मैं इसको मतलब डिस्क्राइब कर सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की ठीक है इस पूरे हिम में मतलब ये पूरा जो एक श्री रुद्रम का जो ये पाठ है इसके अंदर मतलब हर चीज़ को भगवान की चाहे वो फॉरेस्ट हो पेड़ पौधे हो और डिफरेंट कल्चर्स हो लो कास्ट हो हायर कास्ट हो हर चीज़ को प्रेस किया गया बताया कि आप ही रुद्रम आप ही हो इसमें रुद्रम आप ही हो शिव आप ही हो हर चीज़ के अंदर फिर चमकम के अंदर पूरी तरीके से एक डिवोटी की क्या इच्छाएं हैं उसके ऊपर सारे चीज़ें हैं okay. तो ये अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है शनि की महादशा चल रही है इंटेंस साढ़े सात ही चल रही है श्री रुद्रम का पाठ आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत उसके जो संस्कृत श्लोकाज है वो बहुत डिफ मतलब डिफिकल्ट है बोलने में किसी को आता है संस्कृत तो बोल सकता है लेकिन यूट्यूब पर आप उसको डेली सुनो डेली रात को सोने से पहले आप सिंपल अपने या तो मतलब वो लगा लीजिए हेडफोन लगा लीजिए या ऐसे सुन लीजिए आप अपने आपको बहुत अच्छी तो नींद आएगी ठीक है मतलब विद इन ट्वेंटी वन डेज आपको श्री रुद्रम का मैजिक दिख जाएगा आपकी लाइफ में से स्ट्रेस हंड्रेड परसेंट खत्म होगा आप बैलेंस होगे मेंटली और कहीं ना कहीं पीस ऑफ स्टेट आ जाएगा आपके माइंड के अंदर ओके okay. और चैलेंजेस भी आपको लगेंगे कि हाँ यार मैं इसको डील कर पा रहा हूँ और जब डील कर पाओगे चैलेंजेस से तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे Okay. तो बहुत ही पावरफुल श्री रुद्रम को मैं मानती हूँ ठीक है फिर सेकंड अगर शनि की इंटेंस चीज़ें हैं तो वही श्री रुद्रम का पाठ हो गया सुनना उस पर मेडिटेट भी कर सकता है कोई भी आदमी उसको लगा के और आप बस अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाइए डीप मेडिटेशन करो उसको ठीक है फिर जो मैंने बताया तिल का ऑयल ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी अगर आप अपने घर में डेली जला रहे हैं उसको और थोड़ा बड़ा दिया सारी एब्जॉर्व कर लेता है ये इन सब प्लानट्स की बहुत इम्पैक्ट है इन चीज़ों का ठीक है फिर उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊँ तो मतलब सिर्फ महाकाल मंदिर नहीं सेल्फ उज्जैन सिटी ही पूरा ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है जहाँ पे जाके आप अपने इन मेलफिक इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हो काशी जाकर काशी जाओ आप एक हफ्ता रहो सब कुछ भूल जाओ फोन ऑफ कर दो अपना तीन चार दिन वहाँ पे रहो वहाँ पे इतने मंदिर हैं इतने शिवालय हैं इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर कि आपको चार पाँच दिन में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी मतलब आपके थॉट्स बदलेंगे थॉट्स बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली जब पॉजिटिव थाट्स आना स्टार्ट होते हैं ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि मेलेफिक टाइम में जब दशा चल रही होती है ना तो आदमी के हर चीज़ उसको नेगेटिव दिख रही होती है उसकी वाइफ भी नेगेटिव दिख रही होती है उसको उसके माँ बाप भी उसको नेगेटिव दिख रहे होते हैं कि इन्होंने मेरे साथ में गलत किया मेरे भाई ने मेरे साथ में गलत किया मेरी वाइफ ने मेरे साथ में गलत करा मेरे पार्टनर ने मेरे साथ में गलत किया उसको कोई भी चीज़ पॉजिटिव लग ही नहीं रही होती है ये माइंड पे उसके ऐसा इम्पैक्ट होता है मेलेफिक्स का और यही अगर टर्न हो जाए पॉजिटिविटी में नहीं यार ये तो मेरा समय था मेरे पेरेंट्स ने तो अपना बेस्ट <coughs> किया था right. मेरी वाइफ ने तो बेस्ट किया था तो ये क्या हो गया पॉजिटिव थाट्स जनरेट हो गए तो आधी चीज़ों से उसकी ठीक होना स्टार्ट हो गई अभी तो वो सुनी नहीं रहा है किसी की भी हर चीज को नेगेटिव मान के बैठा हुआ है अपने इनवायरमेंट अपने <coughs> अपना जो भी जहाँ पे भी वो है अपने लोगों को तो सब जगहों से वो अलग हट गया अकेला हो गया पूरी तरीके से तो और डिप्रेशन बढ़, okay. बढ़ गया और मेलेफिक इम्पैक्ट बढ़ गया और पॉइजन आ गया माइंड के अंदर बात करके पता चलता है इंसान के दिमाग में कितना पॉइजन भरा पड़ा है वो एक ही चीज को रिपीट करता रहता है मैंने सबके लिए बहुत किया मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया मेरे को उसने धोखा दिया था मेरे साथ में ये हुआ था मेरी वाइफ ने मेरे साथ में ऐसा किया था मेरे बच्चों ने वो सॉल्यूशन पर जाना ही नहीं चाह रहा होता है क्योंकि मेलफिक नेगेटिविटी पॉइज़न माइंड में बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो दशा चल रही है और वो दशा भी उसके जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो उसको वो दशा मतलब वो मेलेफिक ने इतना ज़्यादा उसको वो ऊपर है कि वो पॉजिटिविटी उसके माइंड तक पहुँच ही नहीं पा रही है तो ऐसे केसेस के अंदर भी बता भी दो तो लोग या तो सुनते नहीं है ढंग से या फिर वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हर्डल्स आ जाते हैं टिकट बुक कराने जाते हैं होता ही नहीं है पूजा करने जाते हैं बैठ ही नहीं पाते कोई काम आ जाता है नींद आने लग जाती है परेशानी होने लग जाती है घर में किसी की कुछ हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है तो ये भी सारे सिम्टम्स हैं कि आप पहुंच नहीं पा रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ और कोई चीज एक ट्रिगर कर गई पॉजिटिविटी की तो फिर समझ जाओ आपकी इस मतलब बोलते ना कि ये इस

इजिली हो जाती है फिर आप ना पॉजिटिविटी की तरफ ना बढ़ जाते हो और अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता कुछ नहीं फिर आपके चाहे कोई से भी घिरा बैठे हो या कोई सा भी ग्रहण लगाओ तो मुझे लगता है आई थिंक क्लियरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में डन आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो बस यही है कि आ, इस साइंस को पूरी तरीके से ज्योतिष को एक लाइट के जैसे ही इसको यूज करें

लोगों को मैंने अपने ट्रैप में लिया लोगों को उनकी बातें बता भाई आज मैं आपको आपकी हिडन चीजें बता दूँ तो आप तो मतलब मेरे को ऐसे देखने लग जाओगे ना यार इनको कैसे पता चल गया तो आप मैं अगर आपको गलत भी चीज़ बोलूंगी तो आप उसको हाँ करोगे अब मैं मिस कर रही हूँ ना आपको अब मैंने आपके माइंड को पकड़ लिया अब अ... मैं बोल रही हूँ परम जी इस टाइम पे सोना इस टाइम पे खाना खाना अब तो बस परम जी वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धा जी ने बोल दिया क्योंकि उन्होंने पहले की सारी बातें सही बताई थी बिल्कुल अब मैं आपको अपने हिसाब से चीजें कर रही हूँ अब आप एक काम करो अब आप है ना एक दो लाख रुपए दो इतनी की पूजा करा लो अब आप एक लाख रुपए दो आप इतनी की पूजा करा लो या आप मतलब कोई भी और भी चीजें एक्स वाई जेड मतलब मैं गलत तरीके से अब आपको यूज करना स्टार्ट कर दिया इस पे ना मैं ऑडियंस को एक चीज और बोलना चाहूंगा हाँ। कि ये बहुत ही मतलब एक मेजर फैक्टर है आज के पॉडकास्ट का कि लेस एग्जाम्पल कहीं भी आप जा रहे हो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो और आप अपना चार्ट दिखा रहे हो और आप बोल रहे हो अरे वाह इन्होंने तो सेम सारी चीज़ें बता बता दी वो उन्होंने नहीं बताई है वो उनके चार्ट ने बताई है क्योंकि चार्ट जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी सारी चीज़ें उनको बताते हो तो वो आपका चार्ट आ जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर कौन सी पोजिशन पे है करेक्ट मैम yes, yes. वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है आपकी एग्जैक्टली exactly. बस यही है कि भाई वो कितना नॉलेजेबल है वो इंसान और बहुत सारे मतलब आप मानेगी नहीं अब तो इतना हम लोग चलो अपनी नॉलेज आके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हम में इतनी नॉलेज भी नहीं है इतने छोटे छोटे गाँवों में इतने ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं जिनको इन विद्याओं के ऊपर बहुत पता hmm. है बहुत जिनको कोई स्कोप ही नहीं है बाहर निकलने का उनके पास कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है और वो तो सब हाथ से कैलकुलेशन करते हैं हम तो फिर भी चलो सॉफ्टवेयर में टाइम डेट ऑफ बर्थ डाल के चीजें चार्ट बना लेते हैं वो तो हाथ से आज भी कर ले कर रहे हाँ, गांव उन बहुत सारा ज्ञान है कब क्या चीज होगी तुम शादी करने जाओगे लाइट जाएगी तुम शादी करने जाओगे खाना कम पड़ जाएगा तुम्हारे बच्चा होगा तो तुम्हारे चाचा जी बीमार पड़ जाएंगे तुम्हारी बेटी होगी तो तुम्हारा काम ऐसा हो जाएगा तुम्हारा जब दूसरा फ्लोर बनेगा तो तुम्हारे बहन के घर में ये हो जाएगा

और बाकी तो ठीक है सब चल रहा है जय श्री राम ऐसे कुछ ना कुछ फिर कुछ डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि ये वाला लास्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया था मेरी तबीयत खराब हो गई थी ड्यूरिंग पॉडकास्ट तो वो ऑडियंस को पता नहीं है तो वीडियो एज इट इज ही कट हो गई थी बीच में yes, वो yes. तो मैम थैंक यू सो मच थैंक यू आपको भी बहुत बहुत और आप लोगों को भी थैंक यू यार आप इतना प्यार दे रहे हो बाकी और देते रहो भाई जिसको कुछ भी डाउट हो तो मैम से बिल्कुल पूछ सकते हो है ना डन मैम ओके थैंक यू सो मच मैम थैंक यू वेलकम वेलकम you <laughs>